हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे घर दिखाता हूं अमेरिका के जो कि बहुत ही अलग टाइप के होते हैं तो दोस्तों इन घरों को मोबाइल होम्स बोलते हैं और मोबाइल होम्स मतलब ऐसे घर जो कि आप मूव कर सकते हो जी हाँ दोस्तों तो ये घर ऐसे होते हैं जिनको आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हो और कहीं भी ले जा आप उनको रख सकते हो मतलब फ़िट कर सकते हो तो ऐसी एक मोबाइल होम कम्युनिटी में मैं आज आया हूं आपको दिखाने के लिए ये काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है ये कम्युनिटी बेसिकली और जितने भी घर यहां पे हैं इस वाली कम्युनिटी में वो सारे मोबाइल होम्स हैं मतलब उनके ओनर्स जब चाहें वो घर उठा के ले कर कहीं और लेके जा सकते हैं पूरा पूरा घर तो आइए दोस्तों मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि आखिर ये कि आखिर ये मोबाइल होम कम्युनिटी आखिर कैसी होती है सो लेट्स कम फ्रेंड्स तो ये देखिए दोस्तों ये वो मोबाइल होम कम्युनिटी है और काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है अभी ये एक्चुअली अभी शाम का टाइम हो रहा है तो काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे ये देखिए बीच में एक गार्डन बना हुआ है छोटा सा और ये सामने देखिए ये सामने इनका कम्युनिटी सेंटर है मेरे ख्याल से कम्युनिटी सेंटर है अभी इस टाइम पे शाम हो गई तो ये बंद है बट यहाँ पे ऐसे कुछ भी आपका इवेंट इवेंट है तो आप वो कंडक्ट करा सकते हो और बाकी इसके चारों ओर ये मोबाइल होम्स बने हुए आप देखिए जैसे सामने देखिए ये मोबाइल होम है और बाकी इस साइड देखिए सारे मोबाइल होम्स बने हुए हैं तो अभी मैं आपको थोड़ा पास से ले जा दिखाता हूँ कि आखिर ये मोबाइल होम्स कैसे होते हैं बेसिकली तो ये देखिए ऊंचे ऊंचे पाम ट्रीज़ बने हुए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं जबकि मतलब यहाँ पे इस एरिया में पाम ट्रीज़ इतने कॉमन है नहीं बट मेरे ख्याल से इन्होंने इनको यहाँ पे ला के स्पेसिफ़िकली लगाया है यूजुअली ऐसे पाम ट्रीज़ फ्लोरिडा और बीच वाले एरियाज़ में जो है कॉमन ज़्यादा होते हैं बाकी दोस्तों ये देखिए बीच में इन्होंने ये छोटा सा एक जो है बारबेक्यू का एरिया बनाया हुआ है वैसे इतना साफ सफाई नहीं है इतनी बट यहाँ पे देखिए बीच में ये बारबेक्यू लगा हुआ है जिसमें मस्त में आप आके बारबेक्यू कर सकते हो ये मस्त सा, 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 सा इन्होंने इस पेड़ को हेयर कट दिया है मस्त चंपू टाइप का पेड़ लग रहा है ये। <laughs> कि कुछ लोग वॉक कर रहे हैं मेरे ख्याल से आई थिंक ये लोग यहाँ पे ही रहते हैं तो ये दोस्तों मुझे पता किया है मैंने तो ये सीनियर लिविंग की है कम्युनिटी बेसिकली मतलब सीनियर लिविंग मतलब कि जो लोग यहाँ पे 65 फाइव से जो ओल्डर हैं वो लोग रहते हैं इस वाली मोबल होम कम्युनिटी में अभी शाम का टाइम हो गया है, तो देखिए लाइट्स ऑन हो गई हैं बेसिकली तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे इस कम्युनिटी में तो ये दोस्तों जैसे मैंने बताया ये वो कम्युनिटी सेंटर है कैमरे वैमरे देखिए लगे हुए हैं सारे यहाँ पे यहाँ पे मोस्टली सिक्योरिटी के लिए लोग कैमरेज़ लगाते हैं हर जगह और ये क्लब हाउस है इसको यहाँ पे क्लब हाउस बोलते हैं तो अभी लिखा हुआ है देखिए क्लब हाउस क्लोज बिकॉज ऑफ़ कोविड नाइन्टीन सिचुएशन लेकिन वैसे उसके जो है अलावा अगर जब ओपन होता है ये तब उस टाइम पर भाई अगर आपको कोई अपना इवेंट कंडक्ट करना है, है और नाइस nice करना है तो वो सब आप जो है कर सकते हो तो ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटीज़ में क्लब हाउस और ये सब कम्युनिटी ये फैसिलिटीज़ होती हैं बाकी ये देखिए आगे ये स्विमिंग पूल मुझे दिख रहा है ये मैं आपको थोड़ा पास ले चल के दिखाता हूँ स्विमिंग पूल यहाँ पे कैसा है ये देखिए दोस्तों स्विमिंग पूल है ये यह यहाँ पे और ये गेटेड है मतलब ये सबको एक्सेस नहीं है अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपको ये इसका एक की फॉब मिलेगा एक चाबी मिलेगी जिससे आप ये खोल सकते हो सामने तो मैं आपको थोड़ा ऊपर से जो है दिखाता हूँ स्विमिंग पूल कैसा है ये देखिए दोस्तों काफ़ी मस्त साफ सुथरा सा है स्विमिंग पूल और चेयर वेयर लगी हुई है सामने और मस्त है मतलब वेरी नाइस चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ मैं आपको यहाँ के घर दिखाता हूँ बेसिकली यहाँ के घर कैसे होते हैं तो ये देखिए एक सामने ये ऑरेंज रंग का ये देखिए जो आपको दिख रहा है घर ये पूरा एक मोबाइल होम है दोस्तों तो दोस्तों जब ये बंदा यहाँ पे आया होगा रहने के लिए तो ये अपना घर साथ में लेके आया होगा बेसिकली तो यहाँ मतलब जो है मतलब बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स होते हैं जिससे पूरा पूरा घर आप मूव कर सकते हो इंटैक्ट बेसिकली आपको ये घर को डिसम्बल नहीं करना पड़ेगा ये ऐसे ही का ऐसे ही पूरा घर ये ट्रक के ऊपर लद जाता है ट्रेलर के ऊपर और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है एक जो है कम्यूनिटी से दूसरी से दूसरी कम्यूनिटी में तो ये देखिए दोस्तों मतलब क्या मतलब मस्त जो है तरीका है पूरा घर मूव करने का बताइए तो ये दोस्तों जहाँ पे मैं भी वॉक कर रहा हूँ दोनों साइड मोबाइल होम्स हैं सारे तो काफ़ी बढ़िया है मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मोबाइल होम मोबाइल होम कम्युनिटी इतनी अच्छी होती है मुझे लगता था कि मतलब यूजुअली इतना वेल well मेनटेंड नहीं होती है बट ये मुझे काफ़ी काफ़ी वेल मेनटेंड लग रही है और आप मतलब ग्रीनरी देखिए कितनी तो मस्त ग्रीनरी है हर घर के जो है सामने पूरा देखिए गैराज टाइप का है घरों में और काफ़ी मतलब काफ़ी बड़े हैं घर एक्चुअली तो मैं भी सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े मोबाइल होम्स भी हो सकते हैं मतलब मुझे आइडिया नहीं ये लोग कैसे पूरा घर ये उठा के ले कर जाते हैं अपने साथ तो ये देखिए इसने मस्त गमले लगाए हुए हैं यहाँ पे और ये देखिए पोस्ट बॉक्स है तो जब पोस्टमैन आता है तो जितनी भी चिट्ठियाँ विट्ठियाँ हैं वो सब ऐसे पोस्ट बॉक्स लगे होते हैं हर घर के उसमें वो आके डाल देता है देखिए बाकी इसने मस्त गमले वमले लगाए हुए पूरे बेसिकली मस्त लग रहा है यहाँ पे और ये देखिए सामने एक है घर यहाँ पे जो कि लिस्टेड है मतलब ये लोग इसको बेच रहे हैं देखिए तो यहाँ पे ये रियलिटी वर्ल्ड का देखिए साइन लगा हुआ है और अगर मैं आपको दिखाऊँ उसका प्राइस देखते हैं कितना है इस वाले घर का तो ये मैं पहले आपको जो है घर दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों तो ये है घर जो कि लिस्टेड है अभी मार्केट में यहाँ पे क्योंकि तो इसका जो ओनर है उसको बेचने की जो कोशिश कर रहा है और जो इसका प्राइस है बेसिकली वो तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने का है तो ये देखिए लिस्टिंग प्राइस लिखा है टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स तो इसमें आप देखो बेसिकली तो ये थ्री बेड टू बाथ है अप्रोक्सीमेटली तेरह सौ जो है स्क्वायर फिट का है ये घर और ऑलमोस्ट इसमें देखो मतलब अंदर से काफ़ी मस्त है घर पूरा ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम इसमें बाथरूम्स पूरा मतलब जैसे प्रॉपर घर में होता है वैसे ही है यहाँ पे इस वाले घर में तो ये ऑलमोस्ट टू फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स का है ये वाला घर लिस्टेड तो सही है मतलब मैंने यूजली देखे नहीं ऐसे लिस्टिंग्स ये जो है मेरा भी एक्सपीरियंस है ऐसे फर्स्ट टाइम मोबल होम की जो है लिस्टिंग देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको जो है कुछ चीज़ बताऊँ तो जो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो मोबल होम होते हैं वो मोबाइल होते हैं मतलब आप उनको उठा ले के लेके जा सकते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो मोबाइल होम जब आप जो है ख़रीदते हो तो आपको उसके साथ लैंड नहीं मिलता है तो यूजली ये जितने भी ओनर्स हैं ये मोबाइल होम्स के लोग खाली घर ओन करते हैं लैंड नहीं ओन करते हैं तो इन लोगों को हर मंथ लीज पे करना होता है मतलब एक टाइप का रेंट पे करना होता है इनको जो ओनर है इस लैंड का तो ये जो पूरा लैंड है जहाँ पे ये सारे घर बिछे हुए हैं इसका कोई ओनर होगा और ये जितने भी जो है घर वाले हैं ये लोग हर मंथ उस ओनर को उसका लैंड यूज़ करने के लिए उसको रेंट पे करते हैं तो काफ़ी बार थोड़ी प्रॉब्लम इन मोबाइल होम्स में ये हो जाती है कि अगर मान लो उसके ओनर ने ये पूरा लैंड उठा के बेच दिया किसी को तो फिर इन लोगों को नोटिस मिलता है कि भैया अभी जो है तुम्हारा लैंड अभी बिकने वाला है और भाई तुम्हें इतने मंथ्स का टाइम है तुम अपना घर मूव करो किसी और मोबाइल होम कम्यूनिटी में तो वो देख थोड़ा मतलब चक्कर होता है इसमें इसके अलावा फ़ायदा ये होता है जैसे आपने जो है देखा ये पिछला घर जो जो है लिस्टेड था ये ऑलमोस्ट मतलब 1600 सौ स्क्वायर फीट का घर यहाँ पर बेरिया कैलिफोर्निया में ऑलमोस्ट लाइक 260 के का जो है मिल रहा है जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा प्राइस है मतलब जो है तो प्राइस के मामले में मतलब ये मोबल होम्स काफ़ी सही होते हैं लेकिन मतलब बस यही प्रॉब्लम होती है इसमें कि आप लैंड ओन नहीं करते हो तो अगर उस बंदे ने जिसके जिसके आप जो है लैंड पे आपने घर रखा हुआ अपना अगर उसने वो लैंड बेच दिया या उसने आप या उसने रेंट बढ़ा दिया साल के बाद तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा काफ़ी अच्छा मुझे वेल मेनटेंड लग रहे हैं देखिए ये मोबाइल होम ये मोबाइल होम सारे के सारे काफ़ी लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ तो मतलब जेंट्री काफ़ी अच्छी है यहाँ पर तो ये तो पक्की बात है जेंट्री बहुत अच्छी है, है मतलब जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली और ये जो ये जो कम्युनिटी है ये काफ़ी आसपास शॉपिंग एरियाज़ काफ़ी अच्छे अच्छे हैं आसपास उसकी तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है मतलब जो है तो उसके हिसाब से जो है देखो तो डील अच्छी है मतलब यहाँ पर जो है रहना बाकी लाइटिंग वाइटिंग इन्होंने अच्छी कर रखी है हर घर के बाहर इन्होंने एक लाइट लगाई हुई है जो है और काफ़ी स्पेस है मतलब जो है आई थिंक दो कारें तो आप आराम से अपनी खड़ी कर ही सकते हो यहाँ पे कोई जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दो कारें खड़ी करने में यहाँ पे बाकी देखिए सामने देखिए पहाड़ों का जो व्यू आ रहा है देखिए क्या मतलब मस्त है सामने कितने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं देखिए जय मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ से ये देखिए दोस्तों तो बढ़िया है मतलब मस्त वो एक टाइप का एक वुड्स में रहने वाली फ़ीलिंग आती है यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी घर के बाहर इतने सारे इन्होंने प्लांट और ये देखिए फूल वूल उगा रखे हैं बेसिकली और बाकी मस्त में मैं मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के आसपास है ये घर और क्या चाहिए भाई है ना जो है एरिया अच्छा है मस्त है यार बढ़िया है बाकी अभी शाम का हो गया टाइम तो और ब्यूटीफुल लग रहा है ये तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई लाइक थोको शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन दोस्तों टेक केयर बाय एंड स्टे सेफ बाय